हेलो एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू ललिता मन्हास चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ शमक चावल की बनी हुई पूड़ियाँ जो हम व्रत में खा सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बनाना। शमक के चावल की पूरी बनाने के लिए मैंने लिए हैं 3/4 कप चावल व्रत वाले। इसे मैंने 2 से 3 घंटे भिगो के रखा था, साफ करके अच्छी तरह से भिगो दिया था और इसका पानी सारा निकाल दिया है। और साथ ही मुझे आटा गूंदने के लिए थोड़ा सा नमक चाहिए, जो मैंने व्रत वाला नमक लिया है सेंधा नमक, और 1/4 टीस्पून काली मिर्च का इस्तेमाल करूंगी और थोड़ा सा तेल इसको गूंदने के लिए, और बाकी तेल चाहिए मुझे पूड़ियाँ फ्राई करने के लिए। तो चलिए सबसे पहले मैं इसको चावल को पीस लेती हूँ। चावल जो हमने पीसने हैं बिना पानी डाले पीसने हैं। अगर आपके चावल पानी के बिना नहीं पीस रहे हो तो आप थोड़ा सा पानी डाल के उसको पीस लीजिए। चावल हमने पीस लिए हैं, ये देखिए ये थोड़े से पतले हैं, हमें इसे थोड़ा सा थिक करना है, डो बनाना है इसका ताकि हम पूड़ियाँ बेल सकें। तो उसके लिए हम इसे थोड़ा सा कढ़ाई में डाल के इसको थोड़ा थिक करेंगे। तो चलिए डाल के मैं आपको दिखाती हूँ कैसे करना है। इसे हम पकाएंगे जब तक कि ये कढ़ाई छोड़ने ना लगे और ये सारा जो आटा है चावल का एक साथ गोला बन जाए। अभी देखिए ऐसे फैल रहा है, जब ये कढ़ाई छोड़ने लगेगा और एक साथ हो जाएगा पूरा आटा तब तक हम इसे करेंगे, और ये बहुत जल्दी हो जाता है, 1 या 2 मिनट में हो जाएगा, बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा इसको करने में। इसमें मैंने कोई ऑयल वगैरह भी नहीं डाला है, नॉन स्टिक पैन में आप करिए ताकि ये चिपके ना। और इसे हिलाते रहिए ताकि ये नीचे लगकर जल ना जाए। ये देखिए आटा हमारा तैयार हो गया, अभी पूड़ियां बनाने के लिए इसने पैन को छोड़ दिया है, बिल्कुल साफ हो गई है पैन, देखिए। अब हम इसे निकाल लेंगे। इस तरह बर्तन में निकालने के बाद अब हम इसे थोड़ा हाथ से मसल लेंगे। हाथ से मसलने से पहले हम थोड़ा सा इसमें डालेंगे काली मिर्च 1/4 टीस्पून, नमक स्वाद अनुसार, सेंधा नमक डाल रही हूँ क्योंकि हम व्रत के लिए बना रहे हैं, और नियर अबाउट 1 टीस्पून ऑयल डाल रही हूँ मैं इसमें। अब इसे अच्छी तरह से सॉफ्ट होने तक हाथ से मसल लेंगे। आटे की हम ऐसे छोटी छोटी लोइयां बना लेंगे, जितने भी साइज की आपको पूरी चाहिए उसके हिसाब से। और आटे को ढक देंगे ताकि ये सूख ना जाए। अब हमें इसे बेलने के लिए हमें चाहिए एक पॉलिथीन, मैं ये बैग ले रही हूँ जिप लॉक वाला, और इसे काट के मैं पूड़ियां बेलूंगी। इस तरह से पहले हम इसमें ऑयल लगा लेंगे थोड़ा सा, और जो हमने इसका लोई बनाई है उसको इसको रख के इसके ऊपर भी थोड़ा ऑयल लगाएंगे ताकि ये पॉलिथीन के साथ चिपके ना, और इस तरह से पॉलिथीन को फोल्ड करते हुए हल्के हाथ से हम इसे बेल लेंगे। इसको हल्के से दबाते हुए
चारों तरफ फैलाते हुए पूरी के आकार इसका बनाएंगे। ये पूरियां बहुत पतली नहीं बनानी है आपने, अदरवाइज टूट जाएंगी। ये थोड़ी मोटी ही बनेंगी। इस तरह से पूरी बिल जाए तो इसको हम फ्राई कर लेंगे। पूरियां सेकने के लिए हमने तेल गरम कर लिया है। तेल पूरा गरम हुआ है प्रॉपर कि नहीं उसको टेस्ट करने के लिए हम थोड़ा सा आटा बीच में डालेंगे, और अगर ये आटा चूल्हे से ऊपर आ जाता है तो इसका मतलब हमारा तेल जो है पूरियां सेकने के लिए तैयार है। तो हम इसे निकाल देते हैं। पूरियां सेकने के लिए ऑयल को अच्छी तरह से गर्म होना जरूरी है। अगर आपका तेल प्रॉपर गर्म नहीं होगा तो आपकी पूड़ियां फूलेंगी नहीं। तो इसको सबसे पहले तेल को गर्म करना बहुत जरूरी है। उसके बाद हम इस तरह से इसको उठा लेंगे, पूड़ी को हल्के हाथ से आपने उठानी है, और इसे ऑयल में डाल देंगे। और ऊपर से हमें हल्का हल्का इसे प्रेस करना है ताकि ये फूल जाए। बहुत ज्यादा नहीं दबाना है इसे। ये देखिए, इसके बाद इसे पलट दीजिए, गोल्डन हल्का सा इसमें भूरा रंग आ जाए तब तक इसे पकाना है। एक तरफ से सिक जाए फिर दूसरी तरफ भी इसे थोड़ा सा भूरा होने तक, जैसे हम आम पूरियां बनाते हैं उसी तरह से इसे सेक लेना है। इस तरह से पूड़ी बन जाए तो हम इसे निकाल लेंगे और बाकी सारी पूड़ियां भी इसी तरह से हम बना लेंगे। तो लीजिए, हमारी शमक के चावल से बनी हुई पूड़ियां बनकर तैयार हैं। बहुत अच्छे से फूली हैं। सिर्फ आपने ये ध्यान रखना है कि इसको बहुत ज्यादा पतला नहीं बेलना है आपने, और हाथ से ही बेलें। और जब आप इसको फ्राई करें तो आपका तेल जो है वो बहुत गर्म होना चाहिए। अगर आपका तेल बहुत गर्म नहीं होगा तो आपकी पूड़ियां फूलेंगी नहीं। और इसे हम खाएंगे किसी भी आलू की सब्जी के साथ, दही के साथ खा सकते हैं। और इससे पहले वीडियो में मैंने एक चटनी मूंगफली और धनिये से बनी चटनी शेयर की थी, आप उसके साथ भी इसे खा सकते हैं। और उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहां से जाके उसको देख सकते हैं। तो मिलती हूँ एक और नई रेसिपी या DIY प्रोजेक्ट के साथ जल्द ही। तब तक के लिए बाय बाय।